नमस्कार, वंसल रेसिपी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपने आलू आलू मेथी के पराठे तो खाए होंगे, लेकिन आज हम आपके लिए ये पत्ता गोभी के पराठे की रेसिपी लेकर आए हैं, जो कि जल्दी बन जाते हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं और बच्चे बड़ों सभी को बहुत पसंद आते हैं। इसके लिए हमने लिए है पत्ता गोभी। इसको इस तरह से बारीक बारीक काट लें। पत्ता गोभी को इस तरह से बारीक बारीक काट लें या ग्राइंड कर लें। अब हमने लिया है गेहूं का आटा। इसमें डालें 1 कप बेसन, 1 कप सूजी। पत्ता गोभी को हमने ग्रेट किया था, उसको डाल दें। अब बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटी हुई हरी धनिया पत्ती, हींग पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, हल्दी पाउडर, अमचूर पाउडर, तिल्ली और अजवाइन को हाथ पर क्रश कर कर डालें। सौंफ, इन सभी चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से मिलाएं और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो बनाकर तैयार करें। देखिए, हमने डो बनाकर तैयार कर लिया है। जिस तरह से हम पराठे के लिए डो बनाकर तैयार करते हैं, उसी तरह से हमें बनाकर तैयार करना है। डो से लोई बनाएं और इसको पराठे की तरह बेल लें। आप कोई भी शेप में इसे बेल सकते हैं। ये देखिए, हमने इस तरह से बेला है। गैस पर एक पैन रखें, पैन गर्म हो चुका है। अब उस पर पराठे को डाल दें। अब इसको पलट दें और दूसरी साइड से भी सेकें और इस पर ऑयल लगाएं। अब इसको पलट दें और दूसरी साइड भी ऑयल लगाएं और दोनों साइड से अच्छी तरह से लो मीडियम फ्लेम पर इसको ब्राउन होने तक सेकें। देखिए, पराठा सिक चुका है। अब इसको सर्व करें। देखिए, गर्मा गर्म स्वादिष्ट पत्ता गोभी के पराठे बनकर तैयार हैं। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और क्रिस्पी बने हैं। इसको आप टमाटर की सब्जी, टमाटर की चटनी, हरी चटनी या दही के साथ खाएं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। आप एक बार जरूर बनाकर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।